ए फॉर एसिटिक एसिड इज दिस मच, के बी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज दिस मच, द पी एच ऑफ अमोनियम एसिटेट इज, अमोनियम एसिटेट कैसे बनेगा, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से ही है। इसकी आपको पीएच पूछी है, इसमें नोट करो क्या बात है। आपको ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट को पानी में डाला, उस सॉल्ट के पानी में डालने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसकी आपसे पीएच पूछी है। तो क्वेश्चन में क्या आपको इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दी है? नहीं दी, देनी भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट होते हैं उनकी पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। फॉर्मूला क्या होता है इनकी पीएच का, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब के ए आपको दिया हुआ है और के बी भी आपको दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना। तो अगर के ए और के बी सेम है, पी के और पी के बी तो सेम ही होंगे ना। पी के होता क्या है, पी के मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ के ए, मतलब माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5। अब सॉल्व क्यों करना, सॉल्व करने की क्या जरूरत है, के और के भी दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि दोनों इक्वल तो कट जाएगा ये, तो इसका पीएच क्या आएगा, हाफ पी के डब्ल्यू। और टेम्परेचर मेंशन है क्वेश्चन में, नहीं मेंशन, नहीं मेंशन तो कितना लोगे, 25, 25 डिग्री पे पी के डब्ल्यू कितना होता है 14, तो हाफ इंटू 14 आंसर आ गया 7, दैट्स इट, 7 इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, 7 आ गया। चलो अगला, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, ये है अमोनियम कार्बोनेट, इसका एक्वा सोल्यूशन कहता है बेसिक है। ठीक है, तो रीजन देखते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्ट, सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस डिपेंड अपॉन के ए एंड के बी वैल्यू। हाँ बात तो सही है, देखो जो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है उसकी पीएच का फॉर्मूला देखो, अभी देखा ना हमने, उसकी पीएच का फॉर्मूला ये है, तो वो उसका सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, के ए और के बी की वैल्यू कितनी है इस बात पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये रीजन तो बिल्कुल सही है, और इसी के कारण इसका ये जो एक्वा सोल्यूशन है वो बेसिक है। क्यों, क्योंकि इसका के बी जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, इसके के से ज्यादा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि के बी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज मोर देन के ए ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये कैसे बना है, अमोनियम कार्बोनेट बना कैसे है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट और वाटर, ऐसे इसको बैलेंस कर लेते हैं, टू टू में बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसका जो के बी है वो इसके के ए से ज्यादा है, दैट इज वाई सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। तो दोनों सही है, रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है,